हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकर सिटी किचन। आज मैं आपको बर्फी परांठा बनाने की रेसिपी बताऊंगी। बर्फी परांठा बनाने के लिए हमें चाहिए नॉर्मल परांठे का गूंदा हुआ आटा, बर्फी जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, आप चाहें तो इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं, बारीक कटा हुआ काजू, बारीक कटा हुआ बादाम, छोटी इलायची का पाउडर और देसी घी। परांठा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बाउल में डालेंगे ग्रेट की हुई बर्फी, काजू, बादाम, छोटी इलायची का पाउडर और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये परांठे के लिए फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम परांठा बेलकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक आटे का पेड़ा लिया है, इस पर सूखा आटा लगाकर सबसे पहले इसकी एक छोटी रोटी बेलेंगे। छोटी रोटी बेलकर तैयार कर ली है, अब इस पर रखेंगे तैयार फिलिंग और इसे फोल्ड करके पेड़ा बनाएंगे। अब हम परांठे को बेलकर तैयार करेंगे। इसके लिए हम पेड़े पर लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इसे हाथ से प्रेस करेंगे इस तरह से, ताकि फिलिंग पूरे परांठे में बराबर फैल जाए। अब परांठे को बेलन से हल्के हाथ से बेल कर तैयार कर लेंगे। अब परांठे को बेल कर तैयार कर लिया है, अब इसे तवे पर सेकेंगे। तवा गरम हो गया है, अब इसके ऊपर लगाएंगे घी और इसके ऊपर परांठा डालेंगे। परांठे को मीडियम आंच पर सेकेंगे और इसे पलट कर दोनों तरफ से घी लगाकर सेक लेंगे। ये देखिए, परांठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, परांठे को सर्व करेंगे। मैंने इस परांठे को देसी घी में बनाया है, आप चाहें तो अपने मनपसंद किसी भी कुकिंग ऑयल में इसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बर्फी का परांठा सर्व करने के लिए तैयार है। इसमें मैंने काजू और बादाम डाले हैं, अगर आप चाहें तो अपनी मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी परांठा होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स और सजेशंस भी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।